लैटिन मैक्सिम्स के बारे में बात कर रहे थे। एजुस्टम जनरिस मतलब क्या होता है? ऑफ द सेम क्लास और काइंड। देखिए ये जो है ज्यूरिसप्रूडेंस का एक लैटिन मैक्सिम है। ज्यूरिसप्रूडेंस में यूज होता है कि जब भी कोई ऐसा मान लीजिए लॉ लिखा हुआ है, उसका इंटरप्रिटेशन के टाइम पे कोर्ट क्या देखती है कि वो लॉ क्यों लिखा गया है, तो उसके उस पैरा में या फिर उस सेक्शन में बाकी बातें जो लिखी हुई हैं, अगर वो वर्ड कोई ऐसा लिखा हो जो समझ में नहीं आ रहा है, तो उसमें कोर्ट क्या करती है कि जो सेक्शन में बाकी बातें लिखी हुई हैं उससे उसको कोरिलेट करके पढ़ती है। इसी को बोला जाता है एजुस्टम जनरिस। जनरिस मतलब उसी क्लास का, उसी काइंड का, ठीक है? तो ऑफ द क्लास और काइंड एजुस्टम जनरिस, ठीक है ना, सेम क्लास का, इस तरह से इसको आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है एक्स पोस्ट फैक्टो आफ्टर द फैक्ट। इसका मतलब तो आसानी से निकाला जा सकता है, फैक्टो मतलब फैक्ट, पोस्ट मतलब आफ्टर। एक्स एक्स जहाँ पे यूज जाता है मान लीजिए द है उसका मतलब, ठीक है ना, द आफ्टर द फैक्ट। एंड नेक्स्ट है एक्सप्रेसियो यूनियस एस्ट एक्सक्लूजियो अल्टेरियस। एक्सप्रेस मेंशन ऑफ वन थिंग एक्सक्लूड्स अदर, द स्पेशल मेंशन ऑफ वन थिंग ऑपरेट्स एज द एक्सक्लूजन ऑफ द थिंग्स डिफरिंग फ्रॉम इट। मतलब कई बातें कही जा रही हैं, कहीं पे एक फैक्ट को एलाबोरेट किया जा रहा है, तो उसके लिए कई बातें कही जा रही हैं, तो अगर उसमें कोई ऐसी बात है जो उस बात से मैच नहीं कर रही है, अगर और उसके दूसरी तरफ ऐसी कोई बात है जो साफ साफ उस फैक्ट के बारे में बात कर रही है, देन दैट ओनली फैक्ट मेक्स अदर थिंग एक्सक्लूसिव मेक्स अदर थिंग एक्सक्लूड्स। ओके ठीक है, तो एक इम्पॉर्टेंट बात, अगर साफ साफ कोई बात ढेर सारे सेंटेंसेस लिखे हुए हैं किसी चीज़ के बारे में बताने के लिए, अगर दो लाइन भी उसके लिए साफ साफ उस चीज़ के बारे में बता देती है और बाकी की 10 लाइनें जो लिखी हुई हैं वो कन्फ्यूज़न क्रिएट कर रही हैं, तो वो 2 लाइन को एडमिट करेगा कोर्ट, बाकी सारी चीज़ों को निकाल देगा। तो इसका मतलब यही हुआ एक्सप्रेसियो यूनियस एस्ट एक्सक्लूसियो अल्टेरियस। यूनियस मतलब यहाँ पे यूनियन मतलब एक, वन थिंग, एक्सप्रेसियो मतलब एक्सप्रेसली मेंशन कर रहा है किसी चीज़ को, एस्ट मतलब एस्ट एक्सक्लूसियो मतलब एक्सक्लूड्स अदर्स, एस्ट एक्सक्लूसियो मतलब एक्सक्लूड्स अदर, अल्टीरियस अदर थिंग्स, ठीक है? तो इस तरह से इसका मतलब निकाला जा सकता है। एग्जैक्टली तो मीनिंग नहीं निकालने में बैठेंगे हम यहाँ पे, इसलिए कि अगर एग्जैक्टली आप एक एक वर्ड को पकड़ना शुरू करेंगे तो देन इट वुड बी वेरी डिफ़िकल्ट टू रिमाइंड एवरी लीगल मैगजीन। हमको तो ऑप्शंस में से जो निकालना है, मतलब जैसे प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में 4 ऑप्शंस होते हैं, उसमें से सही ऑप्शन क्या है, इस तरीके से थोड़ा सा मैच करके निकाला जा सकता है। फॉल्सस इन यूनो फॉल्सस इन ओमनीवस। फॉल्स इन वन एस्पेक्ट इज फॉल्स इन ऑल रेस्पेक्ट, फॉल्स इन वन थिंग फॉल्स इन ऑल। मतलब एक एस्पेक्ट में कोई चीज़ गलत साबित हो चुकी है तो बाकी सारे एस्पेक्ट में भी वो गलत चीज़ मान ली जाएगी, उसको फिर से प्रेजेंट करने के लिए कोर्ट अलाउ नहीं करेगा। फॉल्सस इन यूनो फॉल्सस इन ओमनीबस। फॉल्स मतलब फॉल्सस मतलब फॉल्स हो गया, यूनो मतलब वन फैक्ट, एंड ओमनीबस मतलब एवरीथिंग एवरी एस्पेक्ट, ठीक है ना। ओमनी मतलब ओमनी मतलब ही होता है, ओमनी मतलब जहाँ पे ओमनी वर्ड आ गया उसका मतलब ही होता है ऑल, ठीक है ना। तो फॉल्सस इन एक यूनो मतलब वन, ओमनी मतलब ऑल, फॉल्स मतलब फॉल्सस मतलब फॉल्स, ठीक है। तो फॉल्सस इन यूनो फॉल्सस इन ओमनीबस, फॉल्स इन वन एस्पेक्ट इज फॉल्स इन ऑल एस्पेक्ट्स। जनरेलिया स्पेशलिबस नॉन डेरोगेंट। जनरल थिंग्स डू नॉट डेरोगेट स्पेशल थिंग्स। जनरल स्टेटमेंट्स और प्रोविजन्स टू नॉट डेरोगेट फ्राम स्पेशल स्टेटमेंट्स और प्रोविजन्स। जनरल स्टेटमेंट्स जो होते हैं या प्रोविजन्स होते हैं, जो जैसे लॉ है कोई लिखा हुआ है, लॉ कानून है, उसमें जो जनरल स्टेटमेंट्स हैं वो किसी स्पेशल, जैसे कि IPC है मान लीजिए, वो जनरल लॉ है, जनरल क्रिमिनल लॉ है, ठीक है, उसमें सारे क्रिमिनल लॉ के बारे में बात की गई, लेकिन
पार्लियामेंट कोई ऐसा लॉ लाती है जो स्पेसिफिकली जैसे कंज्यूमर राइट है, ठीक है ना, उसमें बहुत सारे एक्ट ऐसे हैं जो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में आते हैं, अगर उसके लिए स्पेशली कंज्यूमर राइट में, कंज्यूमर एक्ट में इस तरीके से बातें की गई हैं जो जिसका परव्यू IPC में भी आता है और कंज्यूमर एक्ट में भी आता है, तो जो है हमको कंज्यूमर एक्ट से जो है एडमिट करना है, ना कि IPC से। मतलब जनरल चीज़ों के ऊपर जो है स्पेशल चीज़ों को ज़्यादा महत्ता दी जाती है, ठीक है। जनरल स्पेसिली बस नॉन डेरोगेंट, मतलब जनरल थिंग्स स्पेशल थिंग्स को डेरोगेट नहीं करेंगी, उसका अवमानना नहीं करेंगी, इसका मतलब यही हुआ। इसका मतलब आसानी से निकाला भी जा सकता है, जनरलिया मतलब जनरल, स्पेशली बस मतलब स्पेशल थिंग्स, ठीक है। डेरोगेंट मतलब डेरोगेटरी से हो गया हुआ, डेरोगेटरी मतलब किसी चीज़ का अवमानना करना, किसी की बात ना मानना, ठीक है। हैबियस कॉर्पस, ये तो फंडामेंटल राइट भी है Article 32 में। रिट जो पास होती है ना, रिट, एक रिट ये भी है, हैबियस कॉर्पस। यू हैव द बॉडी, इसका मतलब होता है कोर्ट किसी भी अथॉरिटी को जो है ये कह सकती है कि आप पर्टिकुलर पर्सन को जिसको आपने अरेस्ट किया है कोर्ट में प्रेजेंट करें। ये रिट कब फाइल की जाती है, मान लीजिए किसी आदमी की गुमशुदगी है और उसके परिवारजनों को या किसी भी व्यक्ति को जो उसका रिश्तेदार है वो जानता है कि पुलिस ने उसको अरेस्ट किया है, या फिर किसी भी व्यक्ति ने उसको अपने पास रख लिया है इलीगली और बता नहीं रहा है कहाँ पे है, तो कोर्ट में व्यक्ति जा सकता है, बोल सकता है कि जो है ये व्यक्ति इतने दिन से गुमशुदा है, तो उसको जो है फिर से कोर्ट जो है उस पार्टी को जो अपेरेंटली ऐसा लग रहा है कि उन्होंने ही अरेस्ट किया है, उसने ही अपने पास रखा है, कोर्ट उनको ऑर्डर दे सकती है कि यू हैव द बॉडी एंड यू मस्ट प्रेजेंट बिफोर अस, बिफोर द कोर्ट, ठीक है। इसके बारे में देखिए लिखा भी हुआ है, रिट, रिट मतलब होता क्या है, कोर्ट ऑर्डर दैट कमांड्स एन इंडिविजुअल और अ गवर्नमेंट ऑफिशियल हु हैज़ रिस्ट्रेंड अनदर टू प्रोड्यूस द प्रिजनर एट द डेजिग्नेटेड टाइम एंड प्लेस सो दैट द कोर्ट कैन डिटरमाइन द लीगलिटी ऑफ कस्टडी। कोर्ट कैन डिटरमाइन, कोर्ट जो है या निश्चित कर सके कि द लीगलिटी ऑफ कस्टडी एंड डिसाइड वेदर द ऑर्डर ऑफ द प्रिजनर, ऑर्डर द प्रिजनर्स रिलीज। कोर्ट ये डिसाइड कर सके पहली बात तो लीगलिटी कस्टडी की है कि नहीं है, और फर्दर उसको प्रिजनर प्रिजन में रखना है कि नहीं, कोर्ट इस रिट के थ्रू ये चीज़ें कर सकती है। लेकिन हैबियस कॉर्पस का मतलब स्पेसिफिकली होता क्या है, यू हैव द बॉडी। हैबियस कॉर्पस का मतलब सिर्फ इतना ही होता है, यू हैव द बॉडी, ठीक है ना। कॉर्पस मतलब होता है बॉडी, ह्यूमन बॉडी, कॉर्पस मतलब ह्यूमन बॉडी, हैबियस मतलब यू हैव, ठीक है। इग्नोरेंसिया फैक्टी एग्जुसेट एंड इग्नोरेंसिया ज्यूरिस नॉन एग्जुसेट, मतलब इग्नोरेंस ऑफ फैक्ट, फैक्ट की इग्नोरेंस है तो मे बी एक्सक्यूज बट नॉट द इग्नोरेंस ऑफ लॉ। ये IPC में भी दिया हुआ है जनरल एक्सेप्शन वाले चैप्टर में कि आप किसी बात को नहीं जानते हैं देन इट इज़ एक्सक्यूजेबल, ये माफ़ी की चीज़ है, लेकिन आप लॉ को, कानून को नहीं जानते हैं तो ये माफ़ी इसके में नहीं मिलेगी। जैसे मान लीजिए आपको पता है कि आप मान लीजिए कार चला रहे हैं और उसको गलत जगह पार कर देते हैं, वहाँ पे नो पार्किंग जो है नो पार्किंग जोन है और लिखा भी हुआ है, आपने उसको मान लीजिए देखा नहीं, अवॉइड कर दे, बहुत सारे लोग ऐसा करते भी हैं कि वो देखते नहीं वहाँ नो पार्किंग और गाड़ी पार कर दिए, और गाड़ी पार कर दिए तो उस पर चालान कर दिया ट्रैफिक पुलिस ने, तो आप फिर बाद में कहते हैं अरे मुझे तो पता नहीं था, मैंने देखा नहीं उसको कि नो पार्किंग यहाँ पीछे लिखा हुआ है, तो ये चीज़ जो है एक्सक्यूजेबल नहीं है। यू कांट डिनाई द लॉ, मतलब यहाँ पे तो ना इग्नोरेंस ऑफ लॉ है ना, एक रूल है, एक लॉ है जिसको आपने, जिसके बारे में आप नहीं जानते थे कि नो पार्किंग है यहाँ पे, तो यही है इग्नोरेंस ऑफ लॉ, तो ये जो है एक्सक्यूजेबल नहीं है। लेकिन इग्नोरेंस ऑफ फैक्ट एक्सक्यूजेबल है, जैसे किसी पुलिस ऑफिसर को किसी व्यक्ति को अरेस्ट करने के लिए कहा गया, वो जाता है विदाउट गिल्टी माइंड, ठीक है, यहाँ पे ये भी चीज़ देखनी होगी कि उसका इंटेंशन बिल्कुल नहीं है, वो तो बस उस व्यक्ति को गिरफ्तार करने गया जिसको कोर्ट ने ऑर्डर किया है, उसकी बजाय उसके भाई को या जिसके तरह देखने वाला व्यक्ति है उसके घर में ही है
उसको अरेस्ट कर ले आता है, बोलता है कि यही ये व्यक्ति है, उसको ऐसा लगता है, तो ये एक्सक्यू ये जो है इग्नोरेंस ऑफ फैक्ट है। यहाँ पे उसने गलती की कि उसको लगा कि वो व्यक्ति वही है तो उसको गिरफ्तार कर लाया। तो अगर उसने